राजेश ग्रोवर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट खेतरी खोज केंद्र पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बठिंडा। आज दा जेड़ा ये प्रोग्राम सीगा जेड़ी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन TNC जिन्होंने TNC के अंडर जेड़ा एक प्रोग्राम बनाया पुराना बनाई हुई है इन्होंने मतलब इनवाइट किया प्रोग्राम सीगा कि ये भी पंजाब दे विच पराली मुक्त मतलब पराली बर्निंग मुक्त जिहड़ी खेती बन आ रहे हैं तो लोगों को मोटीवेट करना उत्साहित करना इन्हों का जिहड़ा मेन प्रोग्राम सीगा भी ये जिहड़ा सारे पंजाब नूं ही कवर करना चाहुंदे हैं तो उहदे विच भी पराली नूं अग लाए बिना मतलब किवें आपां डाइवर्सीफिकेशन कर सकते ये इन्हों का तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो पिछले 3-4 साल तो काम कर रहे हैं जो मैंने इतने आके पता लगे असी मैं जो यूनिवर्सिटी है ये 2007 तो मतलब कर 6-7 जिस तरह का रिस्पोंस देख रहे हैं रिस्पोंस आ रहा है बट मतलब जिन्ना जल्दी असी चाहते थे उन्ना जल्दी नहीं आया पर हुण किसान दोस्त जिवें अज किसान दोस्तों ने भी दस्सिया साडे सुखपाल सिंह जी ने भी मैं अपने खेत बिल्कुल अग नहीं लाता तो मैं लगता भी जे 50-60 किले बिना खेती वाले बिना अग लाए खेती हो सकती फिर सारी पंजाब भी हो सकता है कोई दिक्कत हाँ जे छोटे किसान है उन्होंने वास्ते जिस तरह यूनिवर्सिटी का सेंटर है कृषि विज्ञान केंद्र इतने भी मशीन आई हैं कोई पैसे नहीं ले जाते जल्दी मशीन ले जाओ जल्दी दे जाओ मतलब जो कोई मशीन फाल्ट पै गया थोड़े तो वो ठीक करा दो कोई सिक्योरिटी नहीं है वो इस तरह आप जरा भी वो महकमा एग्रीकल्चर को भी ये है कुछ संद कुछ कृषि विज्ञान केंद्र भी है कि वो छोटे किसानों का मकसद तो यह है कि वाकई बिल्कुल सही सवाल है जरा छोटा किसान है किला 2-3 किले है वो हूँ लखा रुपये की मशीन थोड़ी लगेगी मैं तो यही कहूँगा भी ये काम थोड़ा मतलब नवा है या कह लो भी जिवें ट्रेडिशनल खेती सीगी वाह के बीजे तो किसान वाह के बीजी जाते हैं पर यह जी पराली वाली है पहले चंगा नहीं लगता महीना सवा महीना जिस तरह मैं दस रहा भी कणक देखने चंगी नहीं लगती पर झाड़ च कोई बल्कि झाड़ असी ये कारण नहीं पहले लभ सके कि झाड़ वधदा क्यों है जो मैं दस्सिया कि जो फरवरी के अखीर या मार्च के तापमान वध जाता है तो हैप्पी सीडर या सुपर सीडर ये जी जी पराल विच वाली है ये माइक्रो एटमोसफीयर जिहड़ा ये वधिया बन जाता धरती का फसल दे विच जिहदे करके जिहड़ी है ना आपां कहिंदे वी ठंडी ठंडी पकदी है मतलब कहिण दा मतलब कणक दा झाड़ वधदा मतलब वाकई पहले 2-3 साल पता नहीं लग रहा भी झाड़ कितों वध गया पर यह जिहड़ा एटमोसफीयर मिल गया पराली विच है तो पानी लग्या है तो ठंडे होने करके जिहड़ा गर्मी का माड़ा असर जिहड़ा उहदे तों असीं बचा करके जिहदे करके दाने का साइज मोटा हो गया ईवन प्रोटीन कंटेंट भी वध सकदा दिस इज गुरु कोप्पा मैं प्रमोटिंग रीजनरेटिव एंड नोबर्न एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूँ जी मैं TNC में काम कर रहा हूँ दी नेचर कंजर्वेंसी वो US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो 79 कंट्रीज में भी काम कर रहा है उसका मकसद है कंजर्वेशन सेव करना है नेचुरल रिसोर्स को अभी इस साल हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया ये पुराना प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में हमने 2,50,000 फार्मर्स को बिहेवियर चेंज करके उसको नोबर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में लागू करना चाहते हैं ये होगा 1 मिलियन हेक्टर के ऊपर और इसके अलावा 500 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर भी हम सेव करना चाहते हैं और 6 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब एनवायरनमेंट से वो मिट्टी में से वो करना चाहता है सिंक करना चाहते हैं और फार्मर्स को भी ये नोबर्न एग्रीकल्चर करने से उसको भी एक इंसेंटिव करने में हम मदद करेंगे कोई नया नया स्कीम के हिसाब से एग्जांपल कार्बन क्रेडिट मार्केट हम कोशिश कर रहे हैं उससे फार्मर्स को फ़ायदा होना चाहिए ये है मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी मेरा पिंड गोविंदपुरा जिला बठिंडा तो देखो मतलब वधिया रिजल्ट आ रहा है कोई IT प्रॉब्लम वाली गल नहीं लोग असीं लोग डरदे हाँ कोई औखा काम नहीं है थोड़ा जहा लगता बंदे नूं भी प्रॉब्लम आउंदी है पर नहीं आउंदी शुरू शुरू जरूर आउंदियां सीगियां हुण जिवें जिवें तजर्बे हुण तां बहुत कुछ मशीनरी बहुत आ गई बड़ा सौखा काम हो गया
ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤਜਰਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਯੂਰੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ।